ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वन ड्रीम टीवी ईस्ट लंदन एल्फर्ड से अकील गनी। हम इसको एल्फर्ड लेन में हैं, मलिक इब्रार साहब से हम उनके व्यूज लेंगे रिगार्डिंग इलेक्शन इन पाकिस्तान टुमारो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप अपने हमें व्यू बताएंगे कल जो इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसे आप वोट देंगे जी, और बाकी पार्टीज के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक इब्रार हुसैन है, जिला मंडी बाउद्दीन मलकवाल। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक इब्रार हुसैन अवान है, मैं जिला मंडी बहावलदीन मलकवाल का रहायशी हूँ, और मैं चौधरी वसीम गोंदल साहब हाजी चंद के बेटे को सपोर्ट कर रहा जेड़ा पीटीआई तो है, और दूसरा एम एन ए चौधरी नजर मोहम्मद गोंदल नू मैं सपोर्ट कर रहा, क्योंकि वो फिर आजकल नया दौर है तो असी चाहने कि पाकिस्तान में कुछ चेंज आए, और मेरा ये व्यू है कि जो भी आए मुल्क के लिए बेहतरी लाए, और नया पाकिस्तान जो से नारा चल रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जितना भी काम हो अच्छे तरीके से हो, इंसाफ हो, हर एक को रहने का वहाँ हक हो। तो अच्छा, तो आप नवाज शरीफ और जरदारी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? नहीं, नवाज शरीफ को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे कि वो जितना जो कुछ मुल्क से लूट के बाहर मुल्कों में ले आया, जिस वजह से हम इन मुल्कों में आगे धक्के खा रहे हैं, ठीक है। और पीपल पार्टी को हमने बहुत देखा, तो इन्होंने अपनी अपनी बारियां लगाई थी, ठीक है। पहले बारी नवाज शरीफ की, जरदारी की, अब फिर नवाज शरीफ की, ये हम नहीं चाहते। हम कह रहे हैं नया आदमी आए और मुल्क के लिए अच्छा करे। अच्छा, पीछे वो जो दो बिल्डिंग्स हैं वो सुना है नवाज शरीफ की हैं? मैंने यही सुना था कि ये नवाज शरीफ की, और भी इसकी नवाज शरीफ की, इधर 300 पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ नवाज शरीफ की। ये जो बड़ी दो बिल्डिंग्स हैं ये सुना है नवाज शरीफ की इन्वेस्टमेंट है? नवाज शरीफ की जी। जी ओके, इब्रार साहब बहुत बहुत मेहरबानी। मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि मैं अपने जितने भी हल्के में मेरे अवान फैमिली है, और मैं क्यों अवान फैमिली से हूँ, वसीम गोंदल साहब जो हाजी जान के बेटे हैं, और नजर मोहम्मद गोंदल साहब जो MNA हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।